मुंदी टीआई ब्रजभूषण हिरवे के नेतृत्व में नगर के विभिन्न मोहल्ले से फ्लैग मार्च निकाला गया, तो वहीं लोगों से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील करते हुए हुड़दंग मचाने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही। वहीं मुंदी नगर में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। दुकानों के सामने अपनी मर्जी से कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसी संबंध में मुंदी टीआई से बात की तो उनका कहना है कि हम इसके लिए चालानी कार्यवाही करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दुकानदारों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जो अपनी दुकान में खरीदी करने आए लोगों को कहीं भी गाड़ी खड़ी करने देते हैं। ऐसे दुकानदारों पर भी चालानी कार्यवाही की जाएगी ताकि नगर में व्यवस्था दुरुस्त रहे। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो आगामी त्यौहार है ईद और इसके अलावा परशुराम जयंती, इन त्यौहारों को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए दिया गया था, उसी के कारण हम आज मुंदी कस्बे में जो है जुलूस फ्लैग मार्च हमने निकाला गया था ताकि आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और साथ ही साथ हमने फ्लैग मार्च के साथ में जितने भी वाहन गए थे वाहन के चालकों को और आसपास के दुकान वालों को भी समझे थे कि वाहनों को बेहतर रूप न रखें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू संचालन का सहयोग करें। सर, लगातार पुलिस के समझाई देने के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा, इसके लिए क्या कड़े कदम उठाएगी पुलिस? इसके लिए हम लोग चालानी कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो उनकी दुकान के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।